आपने देखा कि अभी एक मौलवी साहब ने भरा है और उनका केस तो खुद प्राचा साहब ने किया है, उनको तो खुद राहत, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी, आई कैन शेयर दैट ऑर्डर विद यू, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी मस्जिद में, तो वो प्राचा साहब के क्लाइंट है, प्राचा साहब के पास आए कि मेरी पुलिस से जान छुटवाओ, यहाँ पे लोगों को आने दो, नमाज पढ़ने दो, तो जब इतना बड़ा ऑर्डर उनके लिए दिलवा सकते हैं तो वो, ये तो जनता को तय करना है ना कि आप किस तरीके से देखोगे उस कैंडिडेट को, जो जिस कैंडिडेट को इतनी बड़ी पार्टी टिकट दे रही है, वो कैंडिडेट सपा से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, वी सपोर्ट सपा, वी सपोर्ट अखिलेश यादव जी, हम क्यों उनसे, वो तो अपना परिवार है, हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्ट जनता पार्टी से है, विच इज बीजेपी। इन्होंने इतना जाति के नाम पे, रंग भेद के नाम पे, धर्म के नाम पे जो नफरतें फैला के देश को बांटा है ना, वो किसी ने नहीं किया। ये और ये नामांकन हुआ, ये रामपुर की जनता के लिए एक बहुत पॉजिटिव, एक उम्मीद की किरण जागी है कि अब रामपुर में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे रहेगा, उसकी तैयारी कर ले रामपुर की जो पुलिस है, खास करके ये इशारा उसके लिए है कि जो बर्बरताएं वो कर रही है प्रशासन के साथ मिलके, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा हाल ही में फिर से हाथरस दुराया गया, दलित बच्चे के साथ जो हरकत की गई, मारा गया, तो इस तरीके की जो हरकतें हो रही हैं, मुझे लगता है कि इनसे बेस्ट चॉइस रामपुर के लिए कोई नहीं हो सकती। और यहाँ पे एक्चुअली में जो धांधली भाजपा सरकार, जिस तरीके से वो धांधली से सरकार पहले आई कुर्सी पे और फिर धांधली करके लोगों को वोट नहीं देने दिया, खासकर मुसलमान समाज को टारगेट किया, घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया, अब वो नहीं होगा। जितने अपोजिशन हैं वो सभी कहते हैं कि जहां पर वो हार जाते हैं कहते हैं धांधली हो रही है, तो अब रामपुर ही क्यों चुना, मुख्य रूप से रामपुर क्यों चुना? विपक्ष, मैं मान रही हूँ विपक्ष हारा, लेकिन बीजेपी है ना रामपुर में, विपक्ष हारा, विपक्ष तो ऐसे जब तक ईवीएम रहेगा तो बेड़ा गर्क ही रहेगा हमारा, हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो बात सिंपल सी ये है कि अगर आप ये सोचो कि हाँ हम हार गए और हम लड़ना छोड़ दें और हम डिसेंट भी ना दें अपना, तो वो तो नहीं चलेगा ना। यूं कहती है हम ईवीएम नहीं लाए हैं, ईवीएम कांग्रेस लाई थी, मैं मान लिया, चलो मान लिया ईवीएम कांग्रेस लाई थी, लेकिन अगर जनता कह रही है कि ईवीएम से चुनाव नहीं, वोट नहीं देंगे, तो कांग्रेस बड़ी या भाजपा बड़ी या जनता बड़ी, लोकतंत्र में तो लोगों का राज है ना, लोग जो कहेंगे वो होगा। तो अगर कोई ऐसी जजमेंट ही नहीं है जो ईवीएम का सपोर्ट कर रही है, जो कह रही है कि ईवीएम से चुनाव सेफ है, या जो कह रही है कि ईवीएम से चुनाव होने चाहिए, नहीं, इवन की ऐसी जजमेंट है जो प्राचा साहब आपको बताएंगे, अधिकतर हम अपने वीडियोस में बताते रहते हैं कि पेपर बैलेट, वो वीवीपैट इज द सेफेस्ट, जहां पे वोटर अपना वोट वेरीफाई कर ले, सेफेस्ट वे टू गिव वोट। एंड आई थिंक प्राचा साहब इतनी मजबूती से इसकी लड़ाई लड़ रही है और ये एक डेमो हो सकता है, ये जो रामपुर चुनाव है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव है और पहला ही कैंडिडेट इतना मजबूत है कि जो सड़क पे आपकी लड़ाई इतनी मजबूती से लड़ता, तो संसद की तो फिर बात ही। अच्छा, रामपुर जनपद के लोगों से आप क्या मांग करेंगे कि क्यों दें वोट प्राचा जी को? मेरे को ईवीएम के अलावा अगर रामपुर की जनता को फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट चाहिए, रामपुर की जनता को जितनी जिसकी हिस्सेदारी, जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी हिस्सेदारी चाहिए, तो रामपुर की जनता को इनको वोट देना चाहिए। अगर रामपुर की जनता संविधान को बचाना चाहती है तो इनको वोट देना चाहिए। अगर रामपुर की जनता कहती है फेयर लॉ, इक्वालिटी, जो इक्वल लॉ है वैसा ट्रीटमेंट, फेयर एंड जस्ट मिले, तो इनको वोट देना चाहिए, इनसे बेहतर कोई चॉइस ही नहीं है। और बाकियों ने जो नामांकन भरा है, आपने देखा कि अभी एक मौलवी साहब ने भरा है और उनका केस तो खुद प्राचा साहब ने किया है, उनको तो खुद राहत, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी, आई कैन शेयर दैट ऑर्डर विद यू, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही थी मस्जिद में, तो वो प्राचा साहब के क्लाइंट है, प्राचा साहब के पास आए कि मेरी पुलिस से जान छुटवाओ, यहाँ पे लोगों को आने दो, नमाज पढ़ने दो, तो जब इतना बड़ा ऑर्डर उनके लिए दिलवा सकते हैं तो वो, ये तो जनता को तय करना है ना कि आप किस तरीके से देखोगे उस कैंडिडेट को, जो जिस कैंडिडेट को इतनी बड़ी पार्टी टिकट दे रही है, वो कैंडिडेट खुद इनके पास मदद मांगने आ रहे हैं और ये उनकी मदद कर रहे हैं, तो जब ये उनकी मदद कर सकते हैं तो ये नाम लोगों की, तो मेरे जैसे या आप जैसे और मजलूमों जैसे, आई थिंक ही इज द बेस्ट चॉइस। अच्छा, आपके हिसाब से आपकी लड़ाई किससे है रामपुर में? सपा भी मजबूत है और भाजपा भी? सपा से कोई लड़ाई नहीं है हमारी, वी सपोर्ट सपा, वी सपोर्ट अखिलेश यादव जी, हम क्यों उनसे, वो तो अपना परिवार है, हमारी लड़ाई सिर्फ भ्रष्ट जनता पार्टी से है, विच इज बीजेपी। इन्होंने इतना जाति के नाम पे, रंग भेद के नाम पे, धर्म के नाम पे जो नफरतें फैला के देश को बांटा है ना, वो किसी ने नहीं किया। ये लोग देश को तोड़ने वाले, ये लोग देश को बेचने वाले, इन लोगों ने युवा को बेरोजगार कर दिया, युवा को इतना मजबूर कर दिया कि उसको पता ही नहीं चल रहा कि कहाँ जा रहा है, इसीलिए तो नशे इतने बढ़ रहे हैं। ये लोग खुद स्पॉन्सर करते हैं इस तरीके से नशे, ये लोग स्पॉन्सर करते हैं हेट क्राइम, रिलीजियस प्रोपेगेंडा। अब यूथ जो है ना, वो समझ चुके हैं इनकी राजनीति, इसलिए हम लोग ना बरगलाते हैं ना ही इनके बहकावे में आते हैं। तो हम लोगों को चाहिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम लोगों को भारत, असली विकसित भारत चाहिए, हम लोगों को बहकावे की बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नहीं चाहिए, हम लोग बेटियां खुद इतनी सक्षम हो कि खुद पढ़ सके,
बढ़ सके आगे और खुद हमें हमारा रिप्रेजेंटेशन चाहिए, वुमेन का रियल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, ना कि जो इन्होंने दिखावे का 33% आरक्षण दिया वो नहीं, जो सिर्फ इनकी एक तरफ की महिलाओं को वो करेगा। हम लोग जो मजलूमों के बच्चे, गरीबों के बच्चे अब जागरूक हो चुके हैं, हमें अपने तरीके का बदलाव चाहिए, ना कि जो आईना ये दिखाते हैं वो आईना। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने कल कहा कि डंडे बहुत चले थे उपचुनाव में, तो आपको डंडों से डर नहीं लगता? मैं कहती हूँ कि हमें अगर हम डंडे से डर गए तो बैटल फील्ड छोड़ देनी चाहिए ना, और हमें यही तो इस कानून को, इस सरकार को, प्राचा साहब का क्या तरीका है? आपने पता नहीं मेरा प्रोटेस्ट फॉलो किया नहीं किया, प्राचा सर की ही अगवाही में वो प्रोटेस्ट चल रहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आज 229 दिन है, मैं आज यहाँ पे हूँ तब भी धरना वहां पे है। अब आप ये सोचिए कि जो वो प्रोटेस्ट चल रहा है वहां पे लाठी, 9-9 FIR मेरे पे है, हो सकता है 10 भी होगी, क्योंकि पकौड़े बेचने पे भी एक FIR होगी, तो ये 9 FIR तो सिर्फ मेरे पे है, प्राचा जी पे FIR है, तो डंडे मारे, पर्चे करे, डिटेन किया, पूरा पूरा दिन रखा, तो हम तो डर के बैठ जाते, हम तो लड़ते ही नहीं। प्राचा साहब एवं हम लोग जो एक टीम है, हम लोग जनता को, लोगों को ये बताते हैं कि इस देश का कानून पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए, और इस देश का कानून सुधारात्मक या दंडात्मक नहीं है, ये क्रिमिनल्स के लिए होना चाहिए कानून। लोगों इस सरकार को, ये वर्दी क्रिमिनल्स को डराए, हमें ना डराए। इसीलिए हम क्यों इम्पोर्टेंट है और क्यों वैलिड है, क्योंकि प्राचा साहब जैसे शख्स थे, पुलिस ने जो खाकी के अंदर भगवा पहना है ना, खासकर उत्तर प्रदेश में, इसको एक्सपोज करेंगी और उसको फुल स्टॉप लगाएंगी, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फ्रॉम लास्ट 4-5 इयर्स। और मुझे लगता है कि जो आज रामपुर की जनता को ये देखना है कि पैराशूटर कौन है, ग्रास रूटर कौन है, डिफरेंस देखना है कि पैराशूटर ऐसे आज नेता जनता को राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, इसलिए ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। आज अगर जनता को नेता चाहिए, वो चाहिए जो बैटल फील्ड में, वॉर के मैदान में उनसे आगे खड़ा हो, डंडा खाने के लिए, गोली खाने के लिए, धक्के खाने के लिए, पर्चे झेलने के लिए, ना कि ऐसी के गाड़ियों में बैठ के आए, एक दिन अच्छा सूट बूट पहन कर भाषण दे। और आप लास्ट सवाल, विपक्ष कह रहा है कि प्राचा जी अगर जीत गए तो 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा अपनी शिकायत लेकर। प्राचा जी जहाँ है जमीन पे, यहाँ अपने कार्यालय में, अपनी विधानसभा, अपने क्षेत्र में, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहेंगे और यहाँ लोगों के बीच में, क्योंकि वो अभी भी जब भी उनके पास कोई भी मजलूम आता है, क्या वो 4 साल पहले चुनाव लड़ रहे थे, 5 साल पहले चुनाव लड़ रहे थे, वो तब से ऐसे ही हैं। और प्राचा साहब जनता के आज ऑफिशियली सेवक हो गए, तो जनता का सेवक जनता के बीच में रहेगा, वरना जनता प्राचा साहब को भी अगली बारी नहीं जिताएगी और उसी तरीके से कॉलर पकड़ के सवाल करेगी, वी आर ओपन टू इट। आप रामपुर की जनता को आश्वस्त करती हैं? ऑफ कोर्स, एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोग यहाँ काम करने के लिए इतना एक्साइटेड है, सबसे मिलने के लिए, और ये रामपुर की जनता जो आप देख रहे हो, और रामपुर की जनता ने हमें बुलाया, हम ऐसे नहीं आए, 10-10 लोगों ने जो वहाँ पे गवाहियां दी है वो सारी रामपुर की जनता है, रामपुर की जनता ने प्यार से बुलाया, उनका विश्वास हम आगे तक लेके जाएंगे और ऐसे भरोसा बनाएंगे। थैंक यू।